जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये एक मैप बना हुआ है बार्सिलोना स्पेन से 9/11/2023 को। ये फ्लाइट सुबह को 9:30 बजे निकली है। इस तरह ये माल्टा की तरफ रवाना हो चुका हूँ और माल्टा में इसकी कैपिटल है वेलिटा माल्टा की, और इसका ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर 11:30 बजे सुबह को ये एयरलाइन या फ्लाइट जो है व्हीलिंग की है। इसके ज़रिए मैं यहाँ बार्सिलोना स्पेन से माल्टा पहुँचा। ये माल्टा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। सामने बड़े लफ्ज़ों में नाम लिखा हुआ है। और इस तरह बाहर में एयरपोर्ट से जैसे ही निकला तो तकरीबन सुबह के 12 बज चुके थे। अब 12 के बाद वैसे ही PM शुरू हो जाता है। इससे पहले सारा वक्त जो है AM का था। तो 9:30 बजे से निकलने के बाद ये 11:30 आधा घंटा बाहर अराइवल से निकला। अराइवल से जैसे ही आप निकलोगे तो आपको डिपार्चर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी के लिए आप शहर जाओगे तो ये बस स्टॉप है। इसमें आप देख रहे हैं X2 जो है बस ये सिटी सेंटर वेलिटा की तरफ जाती है। तो जब भी आपको सिटी सेंटर जाना है तो X2 एरो बस में आप सवार होकर इजीली कम खर्चे में और चीप किराए से आप शहर के सेंटर वेलिटा पहुंच सकते हो। वेलिटा जो कैपिटल है माल्टा, जो शेंजिन कंट्री कहलाता है, यूरोपियन कंट्री है, तो इसकी ये कैपिटल है वेलिटा। तो मुझे यानी शहर के सेंटर पर जाना है, इस X2 बस में सवार होना है, क्योंकि X2 बस जो है एयरपोर्ट की जो है 3 यूरो लेती है। टैक्सी करोगे तो आपको 20 यूरो लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अंदर ड्राइवर जो होता है वो आपको टिकट दे ही देता है। तो ये इनका एक अच्छा रूल है और अच्छी फैसिलिटी है अपने यानी ट्रैवलर के लिए। तो बेहतर ये है कि आप X2 जो एयरपोर्ट की बस है उसमें सवार हो जाएं। अराइवल से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ये जो बस स्टॉप है आपको डिपार्चर वाली साइड में मिलेगा, क्योंकि आप अराइवल से जैसे ही बाहर निकलोगे तो सामने आपको दिखाई देगा कुछ रोड क्रॉस करने के बाद एक फुटपाथ बड़ा है जहाँ पर देखें ये लोग खड़े हैं, ये सारे बस के इंतज़ार में है। तो शहर के मुख्तलिफ जगहों पर ये बसें जाती हैं एयरपोर्ट से। तो हमें X2 बस में जाना है बिल्कुल डिपार्चर के सामने। अराइवल से निकलोगे तो रास्ता रोड क्रॉस करके आप इस फुटपाथ पर पहुंचोगे। यहाँ पर अराइवल के सामने डिपार्चर है, डिपार्चर के सामने ही X2 बस एयरपोर्ट की खड़ी होती है। आप X2 बस में आराम से 3 यूरो ड्राइवर को दोगे तो इजीली 1 घंटा तकरीबन लग जाता है शहर के सेंटर तक पहुंचने में। तो ये माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से सिटी सेंटर वेलिटा जाने के लिए आपको X2 बस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला और सिटी बस के ज़रिए यहाँ पर अपने हॉस्टल पर पहुँच गया चुका हूँ। ये हॉस्टल सलीमा सिटी में आता है, क्योंकि यानी छोटे छोटे शहर हैं, वेलिटा यानी कैपिटल है और वहाँ की कैपिटल में मैं नहीं रुका, इसलिए सलीमा में मैंने अपना हॉस्टल बुक कराया था। ये सलीमा स्ट्रीट है और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। और ये गेट के बाहर इनके कोड लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था इस हॉस्टल की तरफ से, उसमें ये 4 कोड लिखे हुए थे। तो मैं समझ गया कि ये बाहर कुछ ना कुछ है इसके। तो मैंने देखा बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है और मैसेज को खोला तो उसमें 4 नंबर लिखे हुए थे, 1962। तो इस तरह 1962 इसमें मैं मिला रहा हूँ ताकि गेट खुल जाए। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है, कोई भी बिगैर हॉस्टल वाला इसमें नहीं आ सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था। और इस मैसेज को मैंने जैसे ही खोला और इस तरह ये कोड लगाया तो गेट खुल गया और सामने हॉस्टल में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये 94 हॉस्टल है, सलीमा सिटी में आता है। ये छोटे छोटे शहर हैं इस माल्टा के, जैसे कैपिटल वेलिटा है, दूसरा ST जोलियान शहर है और तीसरा ये सलीमा है। तो मैंने यानी सलीमा में अपना हॉस्टल बुक कराया है, इसलिए अब ये यहाँ पर आया। मैंने अपने कमरे की चाबी उठाई, मेरा नाम लिखा हुआ था, पहले उन्होंने एक
पेज पर उधर छोड़ा हुआ था, पेज को मैंने देखा तो मेरा नाम लिखा हुआ है और रूम नंबर लिखा हुआ है और चाबी यहाँ पर थी। तो ये चाबी अब मैं आ रहा दो नंबर पर है फ्लोर के, और इस तरह लिफ्ट में चढ़ा और लिफ्ट आस्ता आस्ता फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुकी है, और आस्ता आस्ता जैसे ही दूसरे फ्लोर पर पहुँचेगी तो वहाँ मेरा कमरा है। तो इस तरह ये हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, और ये हॉस्टल का व्यू अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हॉस्टल किस तरह है और किस लोकेशन पर है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये सामने मेरा कमरा है, इसके साथ ये लाकर लगा हुआ है अलमारी की तरह, इसकी भी चाबी इसमें है और दरवाजे की भी चाबी है। और अंदर आने के लिए हॉस्टल में उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, और हॉस्टल के बाहर गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जब भी आप बाहर से अंदर आएंगे तो वो कोड लगा कर फिर अंदर गेट खुलेगा, फिर आप अपने कमरे की तरफ जा सकेंगे लिफ्ट के ज़रिए। तो फ्लोर नंबर 2 पर है, ये कुछ बेड बने हुए हैं, इस तरह ये 8 बेड का कमरा है, और ये बाहर वाली खिड़की है जो आप देख रहे हैं इसमें, और रात का वक्त हो चुका है, और इस तरह ये कुछ लोग और भी ठहरे हुए हैं। ये सामने एक दाढ़ी वाला बंदा ठहरा हुआ है, और ये हॉस्टल का डाइनिंग हॉल है, इसके अंदर ये किचन है। Lift. Wow. This is the dining hall where a lady is here. Then both this you and me. Hi. This video will gone on to the YouTube channel from this 94 hostel. Okay. Then very nice. So many people can see this video with you. You are famous. Friend. Lucas. From Argentina. And from Argentina. This. Wow. Enjoy together, make video there. Beautiful nature, seaside. Excellent. Everyone can see us. Thereby enjoy the nature, beach, miss the chance. Yes. जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं, ये भी बंदा हॉस्टल में मेरे साथ रुका हुआ है, इस तरह मुख्तलिफ लोग वहाँ ठहर सकते हैं। ये टिफ़िन बॉक्स यहाँ का रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ मैंने खाना खाया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सामने चिकन बिरयानी लगी हुई है, देखें इसके साथ एक छोटी सी दाल की प्लेट है, एक इन्होंने पापड़ दिया, एक चटनी दी है, एक अचार है, और चिकन बिरयानी अब थोड़ी देर में मैं खाने जा रहा हूँ। थैंक्स, ओके, वीडियो देखने का शुक्रिया।